आप तो वैसे प्याज के बहुत से अलग अलग तरीके के पकौड़े खाए रहोगे, बट डेफिनेटली आपने इस तरीके से इतना सिंपल, इतना ज्यादा टेस्टी वाला पकौड़े कभी नहीं खाए रहोगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में और बहुत ही ज्यादा यमी एंड क्रिस्पी वाला पकौड़े शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आप ये सबसे पहले आप ले लीजिए प्याज, यहाँ पर मैंने 4 प्याज का यूज की हूँ। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर मिर्ची, जितना भी आपको तीखा बनाना है वो हिसाब से। उसके बाद आपको लेना है हल्दी पाउडर और धनिया की पत्ती, साथ में ही बेसन। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको धनिया थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लेना है ताकि ये बहुत ज्यादा यम्मी बनकर तैयार हो। यहाँ पर किसी भी मसाले डालने की आपको जरूरत नहीं है और आपको थोड़ा सा ताकत लगाते हुए इसको मैश करना है। ट्राई कीजिए, आपको पानी ज्यादा नहीं डालना पड़े, 2 चम्मच के आसपास पानी का यूज करना है। उसके बाद आपको ऐसा लगे बेसन कम है तो आप डाल सकते हो, और आपको मैश करते हुए आपको इसको तैयार कर लेना है। नमक भी डाल देना है, मैं भूल गई थी, तो नमक डालकर आपको ऐसे मिक्स कर लेना, ये हो जाएगा रेडी। उसके बाद तेल जैसे ही देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से तेल जब गर्म हो जाए, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको कचौरी को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जब कचौरी सॉरी पकौड़ी जब ये हो जाए डालकर, तो आपको क्या करना है, चम्मच के हेल्प से इसको पलटी कर लेना है, और जब ये ऑलमोस्ट ऐसा हो जाए तो आप इस तरीके से इसको चला सकते हो। उसके बाद जब आपको लगे कि ये होने वाला है ऑलमोस्ट, तो आप यहाँ पर मिर्ची भी डाल सकते हो। जब कलर ऐसा आ जाए तो आप इसे तुरंत निकाल लीजिए और तुरंत गर्मा गर्म खा लीजिए, क्योंकि गर्मा गर्म ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसको हरी चटनी के साथ में या मिर्ची के साथ में डायरेक्टली ऐसे सर्व कर सकते हो। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना।